साथियों नमस्कार, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आपके बीच लाइव। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ महाराष्ट्र में मनुस्मृति दहन किया था। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा खुद का अनुभव मैं जरूर आपको शेयर करना चाहूंगा कि मनुस्मृति क्या है और इसके सापेक्ष संविधान क्यों खड़ा किया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। तो साथियों, अभी केपी राजपूत जी जुड़े हैं, और भी साथी जुड़ जाएं, क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ जिसने जाति के नाम पे अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने तैयार किया है उनके बारे में बताना चाहूंगा। और वो लोग जो मनुस्मृति के नाम पे चाहे कितना भी निष्कृष्ट काम करें, लूटपाट करें, बलात्कार करें, तब भी वो अपने आप को श्रेष्ठ ही बनाए रखे हैं। ये इतिहास में है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको पता चले। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ एक गांव है, वहां पर एक तालाब था, और उस तालाब में जो जिनको अछूत बोलते हैं, बोले तो हम सभी लोग, क्योंकि देखिए ब्राह्मण व्यवस्था के हिसाब से चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सब कहीं ना कहीं उनसे नीचे आते हैं। इसका मतलब है कि वो मनुस्मृति के हिसाब से हमको नीचे कहा जाता है। और मनुस्मृति आप अगर पढ़ें तो लल्ले यादव जी को पढ़ सकते हैं, वो उन्होंने जो सच्ची रामायण जो लिखी है, या पेरियार साहब की कल जयंती थी, प्रणावन दिवस था, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनके विचार पढ़ेंगे तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। और कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिये, मनुस्मृति का मतलब ये था कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो मनुस्मृति में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ये इसको आज के हिसाब से जब संविधान स्थापित हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान समिति ने, तो आज के हिसाब से जो पोगा पंडित जिस तरीके से बात बताते हैं कि शूद्र हम इस तरीके से मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज आपके प्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। और संविधान में आप सब जानते हैं कि वोट का महत्व है, एक किसी भी पद्धति अगर राजाशाही सिस्टम अब खत्म हो गया, तो यहां पे ये समझ सकते हैं आप कि वर्ण व्यवस्था जो है वो मनुस्मृति की देन है। और वर्ण व्यवस्था में कहीं ना कहीं ओबीसी एसटीसी माइनॉरिटी समाज शूद्र में आते हैं उनके हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या हो क्या नहीं हो, उन्होंने आपको ये कहा, क्योंकि आप सब जानते हैं जितने भी इस देश के अंदर चाहे क्षत्रिय चाहे जो भी हो, वो अब कहीं ना कहीं वो लोग आपसे छूत का भाव रखते हैं, आपने देखा भी होगा। अब ये आपसे ये कह सकते हैं कि भाई ये तो पहले वाली व्यवस्थाएं हैं, अब तो नई व्यवस्था आ गई, तो पहले वाली व्यवस्थाओं में आप ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से इस देश के अंदर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं समझने की हैं, और इसलिए समझने की है क्योंकि आज भी यह व्यवस्था कहीं ना कहीं लागू हो रही है। आप देखें कि ओबीसी एसटीएससी जो है, माइनॉरिटी जो है, जिसके साथ लगातार प्रताड़ना दी जा रही है, जैसे कि आप देखेंगे लोकसभा में इनको बहुत कम जगह दी जाती है, छुपाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम तो देना चाहते हैं पर लोग इस लायक है नहीं। आप ये वो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे दी, जैसे कि लोग विधानसभा और लोकसभा में, जिसके कारण उनको वहां पर मिलता है, लेकिन फिर भी उनको दबा के रखा जाता है क्योंकि उनको कहा जाता है कि आप छोटी जाति के हैं, चाहे जिस भी वर्ग के हों, मतलब सॉरी जिस भी जाति के हों, चाहे उसमें लोधी जाति के हों, चाहे कुर्मी जाति के हों, चाहे एससी के हों। खैर एक बात और है कि जो एससी और एसटी है उनको संख्या के अनुपात में दिया है कार्यपालिका और विधायिका में, लेकिन यहां मीडिया और न्यायपालिका में इनको भी नहीं मिला है, ना ही इनको जो प्राइवेटीकरण जिस तरीके से फैल रहा है इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर, उसमें भी यही व्यवस्था की गई है कि हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया। तो मतलब ये मनुस्मृति को बाबा साहब ने इसलिए जलाया कि उसमें सबसे खतरनाक बात यह थी कि तुम कितने भी अच्छे हो, हट्टे कट्टे हो, दमदार हो, बुद्धिमान हो, इसके बाद भी आपको अछूत ही माना जाएगा।
जैसे ये कहते हैं ना कि आप अगर बलशाली हैं, आप में ताकत है तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक जो मनुस्मृति में जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं उनके लड़के से ज्यादा दमदार हैं, शक्तिशाली हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, इसके बाद भी लेकिन आप रहेंगे अछूत ही, ये व्यवस्था मनुस्मृति की है। लेकिन ये लोग अपन को दूसरी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, जो अच्छा करता है वो आगे बढ़ता है, ऐसा दुनिया की बातें करते, पर ऐसा नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे कि इन्होंने जो लिखा है ग्रंथों में, इन्होंने ये लिखा है कि शूद्र चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो लेकिन वो रहेगा ब्राह्मण व्यवस्था के नीचे ही। मतलब एक ये पैटर्न उन्होंने दिया कि आप कितने भी कुछ भी कर लें पर आप रहेंगे शूद्र, मतलब नीचे ही रहेंगे हमारे आप। अब शूद्र में व्यवस्था क्या थी, शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, बाबा साहब ने जलाया क्यों? मतलब उसमें लिखा था शूद्रों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, उनको नए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, वो जो ब्राह्मण व्यवस्था के हिसाब से जो जो वर्ण है व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं तो उनको उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं। कल की ही बात है छतरपुर की कि एक कुछ ठाकुरों ने 15 अगस्त को एक परिवार कुर्सी पे बैठ गया था, छतरपुर के चौका गांव की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो उसको उन्होंने उस समय जब बैठने नहीं दिया तो बात बड़ी और ये थाने तक गई। इसके बाद भी उसको कल फिर मारा गया है और वो भर्ती है, कहां पे भर्ती किया गया है हॉस्पिटल में, जबकि ये मातगुआ थाना अंतर्गत की घटना है। पर आप जानते हैं बीडी शर्मा जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं वहां पे, एक और पटेरिया कोई है बीजेपी का, ये लोग जो जिस तरीके से इस व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कितनी मर्डर हो जाए, मारो पीटो कुछ भी करो पर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, वो तो